मॉर्निंग फ्रेंड्स, आ चुके हैं हमारे टेरेस गार्डन में और टेरेस गार्डन में का एक बार आपको ओवरव्यू देते हैं और अंदर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कौन से काम करेंगे कौन से नहीं करेंगे, सारी ही बात आपके साथ में शेयर करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत भी यहीं से करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इस तरह की सोचा था ये टेरेस गार्डन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फ्लावरिंग देखो आप कलेंजियो में कितनी अच्छे से हो रही है। और दो तीन दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि तबीयत ख़राब चल रही थी, कोल्ड हो रहा था तो कर नहीं पाए। देखो ये इसमें क्या बोलते हैं, कितने अच्छे फूल खिले हैं यूफोरिया मिली में, कितने प्यारे। इसमें को है, मैंने हैंगिंग में लगा रखा है और इसमें भी अच्छे अच्छे फूल खिल रहे हैं। ये देखो इस तरीके से। और पिटूनियाज जो मैंने सीड के थ्रू लगाए थे उन सब में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। ये देखो अंदर की तरफ अभी जाऊँगी तो आपको फुल बताऊँगी आपको। ये देखो इस तरीके से इसमें भी, ये मैंने सारे सीड से लगाए हुए मेरे प्लांट्स हैं और ये पिछले उसके हैं। और ये कलेंचूज भी सारे कटिंग के थ्रू लगाए थे। सारी ही वीडियो आपके सामने मैं शेयर करती रहती हूँ। देखो कितने अच्छे से फूल खिले। तो एक काम करती हूँ, आज आपको मेरे टेरेस गार्डन को, क्योंकि आज दो तीन दिन से मैं छत पे नहीं आई थी ना तो प्लांट्स में क्या पानी भी नहीं है, तो आज मुझे पौधों में पानी डालना है। तो एक बार आप एक काम करती हूँ, आपके साथ में मैं मेरे टेरेस गार्डन का ओवरव्यू शेयर कर देती हूँ। तो इस तरीके से सारे कलेंचू अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। अभी अंदर जाऊँगी ना और भी आपके साथ में बातें मैं शेयर करूँगी। तो इस तरीके से हो जाते हैं हमारा ये वाला एरिया, इधर ये एरिया हो जाता है, ये हमारे हैंगिंग प्लांट्स हो जाते हैं, ये अंदर है ना। तो अभी आपको मतलब अंदर आके बताऊंगी। ये देखो इसका कलर है धूप में कितना ऐसा हो गया शेड हो गया, बाकी तो ऐसा है, ऐसा हो गया इस तरीके से धूप में। ये हमारे जेड प्लांट्स भी अच्छे चल रहे हैं। देखो जेड प्लांट की टोपियारिस कितने अच्छे से चल रही है। इसमें से ना अब वीड्स वगैरह उगे सब निकाल लें। देखो अभी टाइम मिलेगा तो करूँगी कुछ एक वीड्स वगैरह निकालने का काम, क्योंकि पानी वानी भी डालना है तो उसमें टाइम लगेगा। और अब रेगुलर पानी देना होगा हमारे सारे ही प्लांट्स को, क्योंकि अब है ना धीरे धीरे ना धूप पड़ना स्टार्ट हो गई है ना, तो पानी वानी देना ज़रूरी हो जाएगा। धीरे मतलब सूख जाएंगे प्लांट्स। ये देखो गुलदाउदी जो कटिंग के थ्रू लगाए थे, देखो इनमें थोड़े थोड़े से फूल खिले। कटिंग्स लगाई थी छोटे छोटे कंटेनर्स में, इसमें फूल खिले हुए हैं गुलदाउदी में। और इस तरीके से ये जितने भी विंटर के प्लांट्स होते हैं ना, ये मार्च तक ब्लूम करते हैं अच्छे से, मार्च अप्रैल तक ब्लूम करते हैं। उसके बाद जैसे जैसे मई जून आने लगता है ना, तब जाके ये थोड़ा बहुत मतलब ख़त्म होते हैं। ये देखो इस तरीके से येलो लीव्स वगैरह, ये चंपा में, ये देखो इस तरीके से ये सब निकालते रहना चाहिए। दो तीन दिन से आई नहीं ना तो ये सब काम बढ़ जाता है। ये निकालूंगी अभी इस तरीके से, वीड्स वगैरह निकालूंगी फिर पानी दूंगी। टेरेस गार्डन में रेगुलर काम नहीं करो और कभी कभी मतलब गैप हो जाता है ना तो काम भी बढ़ जाता है आपके। इस तरीके से सारे फूल खिल रहे हैं रोजेस में। ये रोजेस इस तरीके से ख़राब हो जाए ना तो वो भी निकाल देना चाहिए। देखो वीड्स कितने सारे हो गए। ये बाहर वालों की केयर कम कर पाती हूँ ना मैं, तो इनकी कंडीशन ऐसे रहती है। करेंगे इस पर भी काम करेंगे। ये सारा इधर डाल दूँगी, ये सारी पत्तियाँ वगैरह ना, ये भी सारा मेरा है ना उसमें डाल देते हैं, जो मेरा किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट होता है ना उसमें डाल देती हूँ ये इसमें। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा सारा यहाँ से वहाँ तक का प्लांट्स। अब चलते हैं अंदर और अंदर का ओवरव्यू आपके साथ में शेयर करते हैं। धूप से है ना ये रोजेस एकदम येलो कलर के थे, अब जब धूप पड़ती है ना तो इनका कलर थोड़ा सा फीका फीका हो गया। देखो लाइट येलो कलर के हो गए हैं। इसमें बर्ड्स देखो कितनी सारी आ रही है, बंचेस में बर्ड्स आ रही हैं। इसमें हमारा ऑरेंज वाला रोज खिल रहा है और यहाँ मेरे सारे वाइट वाले रोजेस खिल रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। चलो भाई ठीक है, अंदर चलते हैं। देखो मिट्टी की कंडीशन देखो बिल्कुल सूख गई है, सो पानी देना है। तो ये जो कंडीशन रहती है ना, जब आपको पानी देना ज़रूरी होता है, ये इन सब की भी मिट्टी बिल्कुल सूख गई है मेरी, हिबिस्किस की भी, तो इनमें पानी वानी देते हैं। एक हिबिस्किस देखो कितना अच्छा खिला है, अंदर की तरफ खिल रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, दिख रहा है आपको येलो वाला ये रहा। चलो ठीक है, अंदर अंदर चलते हैं। वही आ गए हैं हम अंदर और अंदर का एक बार होगा भी आपके साथ में शेयर करते हैं। कुछ एक प्लांट्स अब विंटर के अच्छे से ग्रो करने लगे हैं। आप ये बोलोगे कि विंटर के प्लांट्स अब, जैसे कि जो मेरी वीडियोस देखते हैं ना उनको पता है कि मैंने ना थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है ना, तो इनकी ग्रोथ मतलब ग्रो कम हो रहा है। ग्रो कम नहीं मतलब इनकी वो क्या बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ठीक है गजानिया, तो अब ये धीरे 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 अब ग्रो करेगा ये विंटर के प्लांट से। तो ये अब धीरे धीरे ग्रो करेंगे, हो रहे हैं मार्च अप्रैल तक इनमें फ्लावरिंग होगी, अच्छे से फ्लावरिंग होगी। मगर इनके सीड है ना आपको थोड़ा सा जल्दी लगा लेनी चाहिए, जैसे कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ मेरे 80% सीड अच्छे से ग्रो हुए हैं ठीक है। ये मतलब अरे वाह, इसमें देखो कितना फूल खिला है। ये वाला है ना क्या बोलते हैं इसको, अच्छा है नरगिस है शायद, आई थिंक सो कि नरगिस होना चाहिए। ये देखो फूल खिला है नरगिस, ये भी मैंने बल्ब लगाया था और कितना प्यारा फूल खिला है। इसके ना जैसे मैं पेंटिंग करती हूँ ना, इसकी ड्राइंग फूलों में सबसे प्यारा फूल लगता है मुझे इसका बनाते हुए, कितना
क्यूट लग रहा है। तो देखो नरगिस का फूल खिला है, बल्ब के थ्रू लगने वाला है, ये मेरा पहला वाला हुआ, और भी बर्ड्स आ रही हैं इसमें, बहुत ही क्यूट लग रहा है यार ये नरगिस का। ठीक है, आई यार मैं अगर गलत नाम ले रही हूँ तो उसको बता देना मुझे कौन सा नाम है और कौन कौन से फूल खिले हैं। ये देखो इसमें भी खिला स्टार्ट हो गई, डहेलियाज में मेरे कलियाँ बनने स्टार्ट हो गई, लेट खिला है मगर अब मेरा टेरेस गार्डन धीरे धीरे भर जाएगा फूलों से। ये देखो इस तरीके से इसमें, हाँ ये इस तरीके से आपके पिटूनियाज में फूल खिल के खत्म हो जाए ना, तो आपको इस तरह से उसकी पिंचिंग करके हटा देना चाहिए जिससे कि वो बुशी और घना हो जाए। यहाँ भी सब फ्लावर अच्छे खिल रहे हैं, मतलब अच्छे से सीड्स हो गए, अब इनमें धीरे 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 फ्लावरिंग आएगी। मेरे टेरेस गार्डन में लेट होगी फ्लावरिंग मगर बहुत अच्छी होगी, वो आप देखना। जैसे आप सबके पहले पहले देख रहे हैं ना, मेरे थोड़ी सी लेट होगी मगर अच्छे से फ्लावरिंग और लॉन्ग टाइम तक चलेगी। ठीक है, अब मैं आपको दिखा रही थी कौन कौन से, हाँ जैसे पिंचिंग करनी होती है ना, सब में ही आपको करनी होती है, जैसे ये वाला है तो इसमें भी अगर कुछ फ्लावर, कितना प्यारा कलर है इसका देखो, अगर ये खराब हो गया ना, पिटूनिया की बात कर रही हूँ, पानी है इसके ना, आप इस तरीके से पिंचिंग करते रहो, पिंचिंग करते रहोगे ना तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है, और जो फ्लावर खराब हो जाता है ना फिर वो एनर्जी लेता है, सीड्स बनाने लगता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होता है, स्पेंड हुए फ्लावर को आपको हटा देना चाहिए। जैसे ये, हाँ ये देखो आपको, जैसे ये फ्लावर खराब हो गया, अब इसके नीचे देखो इसका सीड पॉट बन रहा है, ये देखो दिख रहा है आपको ये अरे भाई दिख जा, ये इसके अंदर इसका सीड रहता है, ये देखो ये आपको ये दिखाई दे रहा है, इसमें इसका सीड पॉट बनता है। तो अभी मुझे सीड नहीं चाहिए, मैं सीड लूँगी मार्च अप्रैल तक। ठीक है, तो इसको भी मैं अभी निकाल देती हूँ यहाँ से, क्योंकि सीड्स बनते हैं ना तो एनर्जी लेते हैं प्लांट की, देखो इसके अंदर ये इसके सीड्स बनते हैं, तो मैं इसको अभी नहीं ले रही हूँ। तो अगर आपके इस तरीके से कुछ बनते हो ना तो आपको निकाल देना चाहिए। चलो इसको लगा देते हैं वापस से, और कुछ एक पिटूनियास के और कलर दिखाते हैं आपको, क्योंकि मेरे पास ये पिछले सीजन के सीड्स रखे हुए थे, पिछले सीजन के फ्लावर्स के सारे वीडियो मैंने आपके साथ में शेयर की थी, तो वही लगाती रहती हूँ। एक ये भी है, थोड़ा सा डार्क हो जाता है कलर शेड, ये हाँ ये उससे डार्क कलर है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। इसका भी सेम वही प्रोसेस है, इसको भी हम रखते हैं भाई नीचे, हाय राम गिर गया, शायद इसमें दूसरा शेड भी निकल रहा है देखो, क्योंकि मैंने मिक्स एंड मैच करके अलग सारे तरीके के सीड्स एक साथ लगा दिए थे ना पिटूनियाज में, तो पिटूनिया ना जैसे मेरे पिछले सीजन में भी लगाए थे, पिछले सीजन में मैंने ना क्या बोलते हैं परचेज करके और कटिंग्स लगाई थी, और कटिंग्स चलने के बाद में फिर जब सीड्स वगैरह इकट्ठे हो गए ना तो मैंने सितंबर में लगाए, तो आज मेरे टेरेस गार्डन में फूल बहुत सारे कलर के पिटूनियाज ग्रो कर रहे हैं। तो एक एक करके मैं पिटूनियाज का काम कर रही थी, तो मुझे लगा मैं सारी पिटूनियाज एक साथ उठा लेती हूँ फिर काम करती हूँ, जैसे कि इसमें से मैं थोड़े बहुत वीड्स वगैरह हटा देती हूँ, ये वीड्स होते हैं ना वो भी एनर्जी लेते हैं, पीले पत्ते वगैरह हुए वो भी आपको हटा देने चाहिए। अभी और भी शेड्स खिलेंगे इसमें, मतलब इसमें अलग अलग तरीके के कलर्स हैं, वो धीरे धीरे जैसे जैसे ब्लूम करेंगे ना वैसे वैसे पता चलेगा। जैसे इसमें मुझे ऐसा लग रहा है इसमें येलो वाला बर्ड खिलेगा, देखो दिख रहा है आपको, तो इसमें बहुत सारे शेड्स हैं, वाइट भी हैं, सब अलग अलग हैं। अब जैसे ये वाला है तो इसको भी मैं पिंच करके निकाल देती हूँ, पिंचिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, दो तीन दिन में आपको पिंचिंग करते रहना चाहिए जिससे आपके पिटूनियाज है ना मार्च अप्रैल तक इतने बुशी हो जाए कि इसमें फ्लावरिंग भर के होती रहे। ये देखो कितने प्यारे फूल खिल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा काम हो गया इसका, इसका कलर शेड भी कितना प्यारा है। तो बस इस तरीके से आप पिटूनियाज की केयर कीजिए और फुल धूप में रखो, जितना फुल धूप में रखोगे ना उतनी इनमें अच्छे से ग्रोथ होगी। देखो आपको और भी दिखाती हूँ, पहले इनको लगा देती हूँ, ये सारे छोटे छोटे और पिटूनियाज है ना, छोटे से छोटे प्लांटर भी इजिली ग्रो कर जाता है। ये देखो आपको दिख रहा है एक इसमें, ये भी ये तो नया ग्रोथ कर रहा है और ये खत्म हो गया, थोड़ा सा ना देखना पड़ता है। हाँ ठीक है, ये खत्म हो गया फ्लावर, तो क्या बोले छोटे से छोटे प्लांटर में इजीली ग्रो कर जाता है पिटूनिया प्लांट। ये देखो मैंने छोटे छोटे से प्लांटर में लगा रखा है और कितने अच्छे से ग्रोथ है इसकी, और मैं आपको दिखाती हूँ। अब आप इधर देखोगे ना पिटूनिया, तो ये भी मेरे सीड से लगे हुए प्लांट, ये देखो अब ये भी कितने ग्रो कर गया, धीरे धीरे में भी फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से पिटूनिया और में भी उग रखे हैं, यहाँ 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 इन सब में पिटूनियाज है, ये देखो अब धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं यहाँ से वहाँ तक, ये देखो इन सभी में पिटूनियाज उग रहे हैं, ये देखो ऐसे इधर, ये दूसरे हैं, ये दूसरे हैं, अब ये भी धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, प्लांट्स तो मेरे विंटर के बस फर्स्ट टाइम तो सभी से मिस्टेक होती है कि थोड़ा सा लेट हो गई, नेक्स्ट टाइम और जल्दी लगाऊंगी। ठीक है, इन्हें लगा देती हूँ फिर दूसरा काम करते हैं और अपने टेरेस गार्डन का ओवरव्यू दिखा देते हैं आपको, हमारे समर के प्लांट्स दिखा देते हैं। तो बस इस तरीके से पिटूनियाज को हमने लगा दिया है, फटाफट से आपको टेरेस गार्डन का ओवर भी देते हैं। बाकी सारे प्लांट्स मेरे समर के हैं, ये तो कलेंजूस है जिसमें फुल ब्लूमिंग हो रही है बहुत अच्छे से, कलेंजूस पिटूनियाज बहुत मेरे फेवरेट प्लांट्स है। ये देखो कलेंजूस आपको अंदर से दिखाऊँ, देखो पीच कलर वाले में भी
फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। बहुत सारे हैं मेरे पास मैसे शेड्स, ठीक है, और ये मैक्सिमम कटिंग के थ्रू लगे हुए हैं मेरे प्लांट्स से। कलेंचो है ना, ये जो आपको प्लांट दिखा रही हूँ ना, ये वो है एक तरह से आप कह लो सक्यूलेंट प्लांट है। इन्हें कम केयर में अच्छे चलने वाले आपके ये प्लांट्स होते हैं। इस तरफ से हमारे ये सारे, इधर मैं आपको जो दिखा रही हूँ ना, ये सारे मेरे इंडोर प्लांट्स हैं। सारे ही सारे इंडोर प्लांट्स हैं, सक्यूलेंट हुए, इंडोर प्लांट्स हुए, कैक्टस प्लांट हुए, सारे शेल्फ में रखे रहते हैं। अब इधर दिखा है आपको, तो इधर भी ये सारे इंडोर प्लांट्स हैं जो शेड में रखे हुए हैं। एक्चुअली शेड तो सभी में ही है, मगर इन वाले प्लांट में फुल्ली शेडेड है, इनमें धूप आती है इस वाले पार्ट में। इधर हमारे फर्न हो जाते हैं, डिफरेंट वीगे हो जाते हैं, बहुत सारे प्लांट्स हो जाते हैं। ऊपर ये वाले जो हैंगिंग आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाले भी हैंगिंग मेरे सारे इंडोर हैंगिंग है। यहाँ अभी एक और टाकना है, इस यहाँ जो हैंगिंग था ना उसको मैंने रिपोर्ट कर लिया है। कहाँ करा है अभी आपको बताऊंगी, वो रिपोर्ट करके मैंने यहाँ लगा दिया। देखो इस तरीके से फर्न प्लांट को, इसकी भी रिपोर्टिंग की वीडियो आपके साथ मैंने शेयर की थी। अब बाकी सब बढ़िया है इधर। और ये सारे इंडोर प्लांट्स का भी सीजन नहीं है, फिर भी इंडोर प्लांट है ना, पेरेनियल प्लांट होते हैं। पेरेनियल प्लांट कौन से होते हैं, जो पूरा सीजन बचे रहते हैं और आप उसको नेक्स्ट सीजन में आप उसकी वापस केयर कर दो। जैसे ही फेब स्टार्ट होगा इनमें केयर करना स्टार्ट कर देंगे और ये हमारे गार्डन में पूरे सालों साल बने रहते हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ता। ये सारे जितने भी मैं आपको दिखा रही हूँ ना वीडियो में, ये सारे हमारे हैं पेरेनियल प्लांट, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाता है एरिया, ये एरिया इधर हो जाता है। दूर से आपको दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ये ऐसे। मनी प्लांट का भी अब सीजन आने वाला है धीरे धीरे, पूरा सीजन ये बने रहते हैं, मगर सर्दी में थोड़ा सा ये रेस्ट पीरियड में चले जाते हैं। बाकी सारे मनी प्लांट मेरे अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। अब उधर चलते हैं, उधर सारा ये देखो, इधर से आपको ऐसे दिखाऊंगी, ये सारे यहाँ तक सारा ये जो एरिया है ना, यहाँ तक ये सारा इनडोर हो जाता है। धीरे 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 हम जैसे बाहर की तरफ जाते हैं, वो आउटडोर सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये मेरे विंटर के प्लांट्स हैं जो पूरी दिन भर की धूप में रखे रहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। और उधर चले तो वो सारे हमारे धूप के प्लांट्स हैं। इधर हमारे अडीनियम वगैरह आ जाते हैं, ये तुलसी है, ये क्या बोलते हैं रेबन ग्रास है, ये सारे इधर हो जाते हैं। अब धीरे 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 ये अडीनियम को भी कपे भी काम शुरू करना पड़ेगा। जैसे ही जनवरी एंड हो जाएगा, फेब की स्टार्टिंग होगी ना, सारे अडीनियम को मुझे रिपोर्ट करना है। सारी वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर भी करूँगी सारे अडीनियम प्लांट के ऊपर, ठीक है। अडीनियम में मेरे अभी भी फ्लावरिंग हो रही है, नए नए शूट्स आ रही है, नई नई फ्लावरिंग हो रही है, सब चल रहा है अभी। और सीड पॉट बहुत सारे बन रहे हैं अडीनियम में, इन सीड के थ्रू इन्हें लगाया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो फ्रेंड्स सबको पता है कि क्या करना है। चलो ठीक है, मिलते हैं अब कल कुछ नए काम के साथ में, ठीक है। तो चलो ठीक है, ओके बाय फ्रेंड्स।